पंडित जी नमस्ते, में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लड़की की शादी अगर देर से हो, माता पिता के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और इसी समस्या के चलते लड़कियों, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियों को भी लोगों के अजीब अजीब से सवालों का जवाब देना पड़ता है, जो उन्हें बहुत ही टॉर्चर करता है। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी समस्या में फंसे हुए हैं, या आपके परिवार की कोई सुकन्या सुशील लड़की इन सब समस्याओं में फंसी है, तो उसको इस मंत्र का चमत्कार अवश्य समझाएं। मैं लड़कियों के शीघ्र विवाह के लिए चमत्कारी मंत्र के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण सभी गोपियों ने जमुना के किनारे श्री कृष्ण भगवान को अपने पति रूप में पाने के लिए बहुत सारे सालों तक किया था, जिसके फल स्वरूप वे सभी गोपियां किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनी। यदि आप भी कृष्ण स्वरूपी सुंदर सुशील मनचाहे वर की इच्छा करते हैं, तो इस मंत्र को क्लीन बीज के सहित उच्चारण करें। कम से कम 1.25 लाख जप करने होंगे। तो मंत्र है, ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिने धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः क्लीम ओम। मैंने इस मंत्र के आगे और पीछे क्लीम शब्द का प्रयोग किया है। क्लीम शब्द का प्रयोग करने से मंत्र का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। और इस मंत्र को यदि आप 1.25 लाख बार जाप कर लेते हैं, और वो भी बिना किसी अर्चन के, तो आपको इसका फल शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य मिलेगा, और बहुत ही सुंदर फल होगा। आपको जीवन भर कभी कोई पछतावा नहीं होगा। आपको ऐसा जीवन साथी प्राप्त होगा जिसकी आप सपने में ही कल्पना कर सकते हैं। इस मंत्र को करने के नियम बहुत ही कड़े हैं, मगर आप इन मंत्रों को समझकर और तभी 1.25 लाख जाप करने का अनुष्ठान करें। स्त्रियों के लिए ये मंत्र लगातार कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें महावारी की समस्या होती है, तो 28 दिन के बाद वे अशुद्ध हो जाती हैं, जिसकी वजह से मंत्र बीच में ही खंडित हो सकने की समस्या आती है। तो मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताना चाहती हूँ, जिसकी मदद से आप इस मंत्र को 1.25 लाख बार जाप कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी समस्या के। सबसे पहला नियम यह है कि इस मंत्र को किसी अच्छे दिन शुरू करें, जैसे कि नवरात्रि में षष्ठी तिथि, जो कात्यायनी जी का दिवस होता है, उस दिन से आप इसे शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि पर भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। प्रथमा तिथि को नहीं शुरू करते, उसे शुक्रवार के दिन जब शुक्ल पक्ष हो तब भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। किसी भी समय इसे कृष्ण पक्ष में शुरू नहीं करना है, और हो सके तो अखबार से देख करके ये पता लगाएं कि आज के दिन में कौन सा पहर अच्छा है और शुक्ल पक्ष हो, तभी इस मंत्र का उच्चारण शुरू करें। उसके बाद दूसरा नियम यह है कि आप शुद्ध अवस्था में ही इस मंत्र का उच्चारण करें। शुद्ध अवस्था से मेरा मतलब है कि आपको महावारी नहीं हो, और आप एकदम ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत करें, तमें भी आप इस मंत्र का उच्चारण करें, आप ब्रह्मचार्य का पालन करें। तीसरा नियम यह है कि जब आप मंत्र का उच्चारण करें, तो आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, जो कि लाल या अंतरी रंग के होने चाहिए, और लाल रंग के आसन का ही इस्तेमाल करें। चौथा नियम है जाप माला। कमल गट्टे की जाप माला पर अगर आप इस मंत्र का क्लीम के बीज के साथ उच्चारण करते हैं, तो यह मंत्र बहुत ही जल्दी सुफल देने वाला है। 1.25 लाख जप एक साथ पूरे नहीं किए जा सकते, इसीलिए पांचवा नियम यह है कि आप सारे 1.25 लाख मंत्रों को छोटे छोटे हिस्सों में संकल्प लेकर के पूरा करें। जैसे आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आपने मंत्र उच्चारण शुरू किया, तब आप अपने हाथ में जल लेकर और देवी की प्रतिमा को सामने रखकर शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं,
और लाल रंग के आसन पर लाल रंग के वस्त्र धारण करके लाल चुनरी ओढ़ करके इस मंत्र का उच्चारण कमल गट्टे की माला पर करने का संकल्प लें कि आप 10,000 जाप 3 दिन में या 4 दिन में पूरा करेंगे और उस जाप को आप जब पूरा कर लें तो उसके बाद देवी की प्रतिमा के सामने किसी मंदिर में जाकर फल मेवा लाल फूल लाल फल पढ़ा करके माता को कहें कि आपने 10,000 मंत्रों को शुद्ध मन के साथ पूर्ण किया है और हे माँ इन मंत्रों को स्वीकार करें और मुझे मेरा लक्ष्य शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त कराएं। माता से क्षमा अर्चना अवश्य करें कि माता हमारी भूल माफ करें। संकल्प को इसी तरह से बार बार उठाएं जब तक आपका टोटल जाप 1,25,000 नहीं हो जाता। छठा नियम यह है कि आप कुछ नियमों का पालन जो कर रहे हैं वो यदि बीच में कहीं छूट जाता है या रह जाता है तो आपका ये संकल्प खंडित हो जाएगा और इसे आपको दोबारा से शुरू करना होगा। जैसे समझिए कि आपने संकल्प लिया है और संकल्प लेने के बाद आपने 5,000 जाप पूरे कर लिए और अचानक से महावारी आ गई तो आपका ये 5,000 जाप खंडित हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। आपको महावारी के जाने के बाद और पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद फिर से नए सिरे से संकल्प लेकर के 10,000 जाप या 12,000 जाप करने होंगे। इसी तरह से आप जाप को अलग अलग हिस्सों में संकल्प लेकर के पूर्ण रूप से 1,25,000 जाप तक का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 7वां नियम यह है कि आप अब भी जाप करने के लिए संकल्प लेंगे तो आप एक दिन अगर 31 माला करते हैं तो अगले दिन आप उससे कम माला नहीं करेंगे, उससे अधिक माला जाप ही आप करेंगे या उतना ही आपको रखना होगा। नियम यह भी कहता है कि जाप करने का जो समय है वो प्रातः काल हो और संध्या के समय हो, दोनों समय स्नान करने के बाद ही आपको जाप करना है। अति शुद्ध अवस्था में ही इस जाप को करें और देवी की मूर्ति के आगे शुद्ध देसी घी का दिया लगा कर करें और हर बार जाप संकल्प पूरा होने के बाद देवी की मूर्ति के सामने जाकर प्रसाद आदि अवश्य अर्पण करें, क्षमा याचना भी करें। और कुछ नियम है जो परिवार वालों को भी आपके साथ ही, आप चाहें तो अकेले जाप करें पर आप इसमें अपनी माता का भी साथ ले सकते हैं, अपनी बहन का भी साथ ले सकते हैं। मैं यही कहूंगी कि खुद से आप इस जाप को पूर्ण करें, इसे करने में कुछ समय जरूर लगेगा मगर शुद्ध मन से इस जाप को करने के बाद आपको जो चमत्कारी सुफल मिलेगा उसे पाकर आप सदैव खुश रहेंगे, क्योंकि ये हैप्पीली एवर आफ्टर वाला एक मंत्र है जो गोपियों ने कृष्ण भगवान को पाने के लिए किया और उन्होंने उन्हें और उन गोपियों ने अपने कान्हा को पा ही लिया। तो यदि आप भी अपने कान्हा को पा लेना चाहते हैं पति स्वरूप में तो आप इस मंत्र का क्लीम बीज के साथ उच्चारण अवश्य करें। इस मंत्र के उच्चारण में और भी बहुत से नियम हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। मैं मंत्र का उच्चारण फिर से करके बता रही हूँ। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः क्लिम ओम। इसी तरह से आगे और पीछे क्लिम शब्द का, ओम के पहले क्लिम शब्द का प्रयोग कीजिए और 1,25,000 जप कीजिए। इस मंत्र के अन्य नियम इस प्रकार हैं। आप कमल गट्टे की माला या चंदन की माला का इस्तेमाल करें। हर बार पूजन के समय लाल रंग के स्वच्छ और ताजे फूल चढ़ाएं और माता की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर श्रृंगार करें। खुद भी लाल रंग के श्रृंगार का इस्तेमाल करें, लाल रंग की चूड़ियां लाल चुनरी ओढ़कर लाल आसन पर बैठें और माता को भी लाल आसन पर ही बिठाएं। यदि आपको जाप करते समय लघु शंका या किसी भी अन्य कार्य के लिए जाना हो तो हर बार आप अपने आप को शुद्ध करके ही दोबारा से आसन ग्रहण करें और जाप को करें। और ये सारी डिटेल एक जगह पर नोट करते जाएं कि आपने कितनी बार संकल्प लिया और कितनी मालाओं का जाप किया। बस ये ध्यान रहे कि हर बार माला या तो उतनी ही हो या उससे ज्यादा हो, उससे कम ना हो। यानी हमें बढ़ना है आगे की तरफ, कम नहीं होना है, घटना नहीं है। कात्यायनी माता के इस मंत्र को करने के अनेकों अनेक लाभ हैं। इस मंत्र को करते समय एक चीज का और ध्यान रखना है, यदि आपके परिवार में यानी एक्सटेंडेड फैमिली में अगर सूतक या पातक लग जाता है तब भी आपका जो उस वक्त लिया हुआ संकल्प है वो खंडित हो जाएगा। इसीलिए यदि सूतक या पातक हो तो 40 दिन के लिए ये जाप बीच में ही रोक दें और फिर 40 दिन बीत जाने के बाद फिर से संकल्प लेकर
जाप माला का प्रारंभ कर दें और हर बार वैसे ही संपूर्ण करने के लिए मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाकर क्षमा याचना करें। क्षमा याचना बहुत ही जरूरी है, कोई भी भूल चूक हो तो उसको माँ हमारी माफ करती है, क्योंकि वो हमारी माँ है इसलिए वो हमारी स्थिति को समझती है। परंतु फिर भी शुद्धता से मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि इस समय जब आप जाप कर रहे हैं तो आपके परिवार का कोई भी जन लहसुन प्याज मांसाहार का प्रयोग न करे। यहाँ तक कि जो बाजारी नमकीन आती है जिसमें लहसुन का प्रयोग होता है वो भी गलती से भी ग्रहण न करे, और यदि ऐसा गलती से हो जाता है तो फिर से आपका संकल्प खंडित हो जाता है, फिर से वो शून्य पर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए फिर दोबारा से आपको संकल्प लेकर के शुरू करना होगा। जी, हमें संकल्प लेने पर इतना ज्यादा महत्व इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा काम हम छोटे छोटे शुद्ध हिस्सों में कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए पूरे परिवार की कोशिशें काम आएंगी। जैसे एक विवाह को संपन्न कराने के लिए दो परिवारों का योगदान होता है, सेम उसी प्रकार से अच्छे जीवन साथी को पाने के लिए आपकी अपनी तपस्या में आपके परिवार वालों का सहयोग भी अति आवश्यक है। कात्यायनी के इस मंत्र का जो फायदा है, जो लाभ है, वो बहुत चमत्कारी है। यदि किसी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष कुजा दोष हो तो वो भी समाप्त हो जाता है, किसी लड़की के कुंडली में विधवा योग हो वह भी खत्म हो जाता है, बहुविवाह योग भी इससे खत्म हो जाता है। जिसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में दो डेढ़ ढाई विवाह लिखे हैं और उससे आपको छुटकारा चाहिए तो वह भी हो जाता है। इसकी मदद से आप अपना जीवन साथी मिलता है। विवाह में हो रहे विलंब को भी यह अति शीघ्र ही समाप्त कर देता है और आपको सुवर की प्राप्ति कराता है। अति शीघ्र विवाह कराने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति से शादी करें, आप अपने मन चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी मन की इच्छाओं के हिसाब से ही जीवन साथी को चुने पसंद करें और तभी विवाह करें। इस मंत्र की वजह से जो भी अड़चने हैं, जो रास्ते बंद हो गए हैं, वो सभी रास्ते आराम से खुल जाते हैं। आप मंत्र के उच्चारण को शुरू करेंगे और लगभग आपके 1.25 लाख से आधे जब भी नहीं हुए होंगे आपके पास बहुत अच्छे मैरिज प्रपोजल्स आने शुरू हो जाएंगे और आपके चॉइस का पैरामीटर बढ़ जाएगा। उस पैरामीटर को बढ़ाए रखने के लिए आप जाप को अवश्य पूरा करें और जब 1.25 लाख जाप पूरे हो जाएं तो आप 108 जाप माला का हवन किसी योग्य पंडित से अपने ही घर में या मंदिर में अवश्य करवाएं। इस मंत्र को उच्चारण करने के और भी बहुत से फायदे हैं। जैसे किसी की विवाह हो चुका है लेकिन समस्याएं हैं तो वो भी ठीक हो जाती हैं। सदा सदा के लिए सुखी रहने का एक मूल मंत्र है यह महामंत्र। इसी की मदद से आप लव मैरिज में आ रही अड़चनों को भी आराम से हटा सकते हैं। आपको सिर्फ जाप करना है, किसी का कोई अहित नहीं करना, कोई टोटका नहीं करना, किसी पर कोई मंत्र नहीं फूकना है। आप इस मंत्र से सिर्फ माँ को रिझाएं और माँ आपको आपका मनपसंद सुफल सुयोग्य वर शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त कराएं। इसी कामना के साथ नमस्कार। पंडित जी नमस्ते में आप सदैव अपने मन की समस्याओं को कमेंट के जरिए बता सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान हम अति शीघ्र लाने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई इस जानकारी से फायदा पहुँचे और यदि आपको इससे फायदा पहुँचे या कोई समस्या आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आपको फायदा अवश्य होगा। धन्यवाद।